हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अक्टूबर सेकंड वीक के करंट अफेयर्स। फर्स्ट वीक के हमने फर्स्ट 7 डेज़ के कर दिए थे 50 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में, तो ये हम नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस हैं उनका करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो जो कैबिनेट ने कॉपरेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है उसकी फील्ड में एक मेमोरेंडम अप्रूव किया है, किसने? कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने। तो वो किस कंट्री के साथ में किया है? तो वो किया है जापान के साथ। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड बिलो विच रिवर? तो भारत की जो पहली ट्रांसपोर्टेशन टनल मीन्स जो पानी के नीचे से अंडर वाटर जो टनल होगी जिस पे कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगा, अंडर वाटर रोड होगा या जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम जो भी होगा उसके हिसाब से अंडर वाटर होगी, वो कहाँ पे, किस रिवर पे होगी? वो होगी हुगली में। नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिस्टर मोदी फॉर फॉलोइंग कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। एक अवेयरनेस कैंपेन है जो मोदी ने लॉन्च किया है, जो कोविड-19 में कैसे ऐप कौन सा व्यवहार अप्रोप्रिएट है, कैसे व्यवहार करेंगे, तो उसका नाम है जन आंदोलन। हाउ मैनी पीपल विल बी पुश्ड टुवार्ड्स एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्यू टू कोरोना? बाय द एंड ऑफ 2021 एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है कि 2021 तक कोरोना की वजह से कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे या बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, वो है 150 मिलियन। सेकेंड एडिशन ऑफ क्वाड हेल्ड बिटवीन USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो क्वाड का ये जो कंट्रीज हैं किन किन के बीच में हुआ था? तो USA, ऑस्ट्रेलिया और इस साइड जापान एंड इंडिया। ये बोल रहे हैं किस सिटी में हुआ? तो ये हुआ था टोक्यो में। नेक्स्ट है, विच बैंक साइंड MOU विद नाबार्ड टू एक्सटेंड क्रेडिट सपोर्ट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स इन गुजरात? किस बैंक ने नाबार्ड के साथ MOU साइन किया है, किसके लिए? क्रेडिट सपोर्ट को एक्सटेंड करने के लिए गुजरात के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, तो वो है SBI ने। वर्ल्ड बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP क्या होगी, एस्टिमेटेड GDP? तो है -9.6। नेक्स्ट है, आर के छिब्बर हैज गॉट 6 मंथ एक्सटेंशन एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ विच बैंक? तो आर के छिब्बर जो है चेयरमैन एंड MD है, उनको फिर से एक्सटेंशन दिया गया है 6 महीने का, वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन एंड MD। मारियो मोलेना हु पास्ड अवे इन अक्टूबर 2020, उनको नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? केमिस्ट्री में, मारियो मोलेना को। अश्वनी कुमार जिनकी डेथ हो गई वो किस किस स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं?
तो अश्वनी कुमार जो हैं वो मणिपुर और नागालैंड के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट है, नेम द मोबाइल ऐप विच वाज लॉन्च्ड कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड न्यूज अबाउट वेदर कंडीशंस, क्रॉप सिचुएशन एंड फार्म प्रैक्टिसेस। मोबाइल ऐप कौन सी है जिसने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है? किस कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है? किस लिए? किसानों के लिए, वेदर कंडीशन, क्रॉप सिचुएशन और फार्म प्रैक्टिसेज में न्यूज़ प्रोवाइड करवाएगी। तो है कॉट एली, CCI, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है किसानों के लिए कॉट एली। विच इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज क्विक डिप्लॉयमेंट एंटीना टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? वो है उत्तराखंड। हु हैज गॉट एडिशनल चार्ज एज मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? वो है पीयूष गोयल। 2020 का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में किसको मिला है? लुइस ग्लक, अमेरिकन पोइट और एसेइस्ट हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन नोबेल पीस प्राइज 2020? तो नोबेल पीस प्राइज 2020 का मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेम द इंडियाज फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल विच वॉज टेस्टेड फ्रॉम सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट? वो है रुद्रम 1। वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? पोस्ट डे जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट बाय प्रोवाइडिंग FSTC टू एवरी रूरल हाउस होल्ड? यानी कि हर रूरल के घर में, गांव के घर में भी नल लगा है, पानी पहुंच चुका है, वो स्टेट है गोवा। ट्री ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है किस स्टेट ने अप्रूव की है? तो ये की है दिल्ली ने। करंट रेपो रेट इंडिया की है 4%। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इस बार जो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी? देखिए थीम थोड़ी सी बड़ी है। मन मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 450 मीटर लॉन्ग नाचीफू टनल इन विच स्टेट? नाचीपुर टनल अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। विच इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन? तो है केरला। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया हैज क्रेडिटेड $310 मिलियन टू विट कंट्री टू फाइनेंस
रिपावरिंग ऑफ वांझ थर्मल पावर स्टेशन। ओके, तो सिंपल सा है कि एग्जिम बैंक जो है इंडिया का, उसने 310 मिलियन डॉलर का लोन दिया है किस कंट्री को? जिम्बाब्वे को। वहाँ का जो एक थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, वहाँ का नाम है वांग थर्मल पावर स्टेशन, उसकी रिपावरिंग के लिए। हाउ मेनी बीचिज इन इंडिया हैज बीन अवार्डेड विद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय डेनमार्क वेस्ट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन रिसेंटली? एट। इंडिया के एट जो बीचीज हैं उनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया है किसने? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ने, जो कहाँ की है? डेनमार्क की, और ये दिया है अक्टूबर में। हु हैज वॉन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन 124th एडिशन ऑफ फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस? ओके, तो फ्रेंच ओपन में 154वां जो बोमैन का सिंगल टाइटल था उसमें कौन जीता है? तो उसमें जीती है ईगा स्वेटिक, और मेंस का जो हुआ था उसमें राफेल नडाल जो है उसने 13th टाइम, 13वीं बार ये जीता मेंस का सिंगल टाइटल। हम सबको पता है कि 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे होता है और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स चाइल्ड हर साल होता है। तो इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी माय वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेलफेयर बोर्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स? वो है केरला। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर एन ओवरव्यू फॉर 20 ईयर्स? तो एक रिपोर्ट लॉन्च की है, और वो लॉन्च की है यूएन ऑफिस फॉर डीआरआर, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और उसका टाइटल है ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर ओवरव्यू ऑफ 20 ईयर्स। नेक्स्ट है हाउ मच, तो फिर से एक्जिम बैंक जो है इंडिया का, उसने मालदीप मालदीव जो देश है उसको ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे दिए हैं? 400 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? तो है ओडिशा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज्ड एट ए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 55.1% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15 टू 16 टू 19 टू 20। वट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21? एज पर द एस्टिमेशन ऑफ आईएमएफ।
देखिए, इंडिया की जीडीपी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 में कितनी होगी? अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक के अनुसार होगी -9.8, तो आईएमएफ के अनुसार होगी -10.3। नेक्स्ट है, हु हेड्स द पैनल फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन? राजीव गौबा। नेम द पर्सन हु हेड्स द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय AICTE टू फॉर्मुलेट द प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल? वो है MS अनंत। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा साइंड एग्रीमेंट टू स्पॉन्सर डिजिटल टीम ऑफ विच स्पोर्ट फॉर 3 ईयर्स? यह है रग्बी। पद्मश्री शोभा नायडू, वो 5 दबे, वो किस डांस के साथ एसोसिएट थी? वो थी कुचिपुड़ी। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी लॉन्च्ड फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे? वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। तो इसमें कहा गया है कि इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है वो वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाता है? वो है कस्तूरी कॉटन। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन है? वो है एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव जो है वो फोर्थ डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, और वो NS विश्वनाथन को टेक ओवर सक्सीड करेंगे। और एम राजेश्वर राव जो है वो करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जगह डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे। नेक्स्ट है, कामचटका पेनिनसुला कहाँ पे है? रशिया में। नोकट्रेक नेशनल पार्क किस स्टेट में है? मेघालय। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश। कलिंग स्टेडियम ओडिशा। खारदुंगला पास लद्दाख। देखिए, खारदुंगला ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, खारदुंगला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो इसमें HP नहीं करना है, लद्दाख करना है। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। RTGS की मिनिमम लिमिट क्या है? 2 लाख। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान। राधानगर बीच इज लोकेटेड इन विच यूटी? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस जो है वो किस किस के बीच में बना है? वो है देखिए, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो इसमें इंडिया नहीं है 5 आईज में। US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये 5 कंट्रीज 5 आईज का पार्ट है। नेक्स्ट है, माउंट किलीमंजारो जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है किस कंट्री में लोकेट करती है? तंजानिया। तो ये हमने कर दिए अक्टूबर के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे।